छत्तीसगढ़ जौनपुर से इस बीच बड़ी खबर मिल रही है कि बीजेपी नेता की नाबालिग बेटी का अपहरण का मामला सामने आया है। दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता की बेटी का अपहरण किया। कई घंटे बाद घायल हालत में नाबालिग को छोड़ा सड़क किनारे। नाबालिग को सड़क किनारे छोड़ करके सभी आरोपी फरार भी हो गए। ये बड़ी अपडेट जौनपुर से आपको बता रहे हैं, जहां दिन दहाड़े कार सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता की बेटी का अपहरण किया और उसके बाद कई घंटों बाद घायल अवस्था में बीजेपी नेता की बेटी को सड़क किनारे छोड़कर सभी आरोपी फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि जो बदमाश है वो स्कॉर्पियो में आए थे और बीजेपी नेता की बेटी नाबालिग को उठाते हैं, अपहरण करते हैं, कई घंटों बाद सड़क किनारे छोड़ करके चले जाते हैं। जो पूरी वारदात है, दिन दहाड़े इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो जौनपुर से बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं, सड़क किनारे नाबालिग को छोड़ा, उसके बाद सभी आरोपी फरार हो गए हैं। कार में सवार होकर के सभी आरोपी आए थे। थाने पर आकर सूचना दी कि उसकी पुत्री जो कक्षा 6 की छात्रा है, स्कूल जाते समय एक बुलेरो कार से 4 व्यक्तियों के द्वारा अगवा कर उसे बनारस की सीमा पर छोड़ दिया गया। उसके साथ मारपीट की गई, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। साथ पूछताछ करने पर उसके द्वारा बलात्कार किए जाने की बात नहीं बताई गई। मजरूबा को मेडिकल परीक्षण हेतु चिकित्सालय भेजा गया है। पूछताछ के दौरान जो संदिग्ध व्यक्ति बताए गए, उनकी गिरफ्तारी हेतु 4 टीमें गठित की गई हैं। थाने पर आकर सूचना दी कि उसकी पुत्री जो कच्चा यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।